वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ब्लॉग का इंट्रोडक्शन करके बताया था कि ब्लॉगिंग क्या है एंड आप ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमा सकते हो, ब्लॉग में आप अपना कैसे करियर बना सकते हो और ब्लॉग में आप कैसे जल्दी ही रैंक कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो नंबर टू है, मतलब पार्ट टू है इस ब्लॉगिंग के जो जो ब्लॉगिंग सीरीज है दोस्तों, इसमें काफ़ी वीडियो आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको वन बाय वन सिखाने वाला हूँ जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ एक एक ऑप्शन से कि जो ब्लॉग में होते हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉगर नाम ऊपर की तरफ है जो कि हमारा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे ऑल पोस्ट में हम मतलब अभी हम ऑल पोस्ट में मैंने पोस्ट लिखी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरे ब्लॉग का नाम है ब्लॉगिंग गाइड हिंदी, ठीक है। यहाँ पे जो आप अपने ब्लॉग का नाम चूज़ करोगे, जो भी आप अपने ब्लॉग का नाम रखोगे वो यहाँ पे आपको शो होने वाला है। और तो सेकंड नंबर पे आता है व्यू ब्लॉग। जैसे आप व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हो दोस्तों, तो आप अपने ब्लॉग को आपने कैसे कस्टमाइज़ किया है, मतलब आपने कैसे थीम वीम लगाई है, उसको आपने कैसे डिज़ाइन किया है, तो उस तरीके से आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ से बैक आता हूँ दोस्तों। यहाँ पे सेकंड नंबर वाला है पब्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने भी पोस्ट पब्लिश करते हो, ए ऑल ऑल वाले ऑप्शन के जो ऑल वाले ऑप्शन का अंदर वाला ऑप्शन है दोस्तों, तो ये ऑल ऑप्शन में ही होता है। तो यहाँ पे आपकी पब्लिश पोस्ट होती है, मतलब कोई पोस्ट आप ड्राफ्ट में भी रख सकते हो, ठीक है। दोस्तों, नंबर थ्री पे है स्टैट्स। दोस्तों, इस पे आप कैसे जान सकते हो ओवरव्यू, पोस्ट, ट्रैफिक सोर्स एंड ऑडियंस। दोस्तों, ये मेरे ब्लॉग का जो पेज व्यू होता है यहाँ पे, मतलब आज के हमारे ब्लॉग पे कितने व्यूअर्स आए हैं या कितना फॉलोअर बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होती है, अपने ब्लॉग के सारे सारे डिटेल्स होती है कि अपने पेज व्यू कितने हो रहे हैं एंड आपके ब्लॉग पे ट्रॉफिक कितना आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एंट्री पता चलता है कि आपको कौन से सर्च इंजन से आपके यहाँ पे मतलब ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको ट्रैफिक सोर्स पता चल जाता है। और यहाँ पे आपको पोस्ट तो आपको पता ही है, पोस्ट आप कब करते हो, कितने कितनी तारीख को होते हैं, यहाँ पे सब शो होता है। और यहाँ पे दोस्तों ट्रैफिक सोर्स है, ऑडियंस है, तो ये आप देख लेना। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है वो है कमेंट। तो दोस्तों, कमेंट्स में क्या होता है, जो कि आप अपने पोस्ट लिखते हो उस पर कौन से पोस्ट पे कौन से कमेंट आई है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको जो स्पैम्स कमेंट होती है वो भी यहाँ से आप देख सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। दोस्तों, नंबर चार पे पाँच पे हमारा ईयरिंग, जो कि हम इसके लिए ही ब्लॉग ओपन करते हैं ईयरिंग के लिए, तो ये वाला सेक्शन आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो ईयरिंग क्या होता है दोस्तों, आपको एडसेंस अप्रूवल देता है 20 से 25 दिनों के अंदर। तो आपको दोस्तों 20 से 25 दिनों के अंदर ब्लॉग पर अच्छा खासा ट्रैफिक लाना है, उसके लिए कुछ सेटिंग्स होती है, SEO होता है, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और आपको एडसेंस दिखेगा कि आपका जो ब्लॉग है वो मतलब एडसेंस लगाने के लिए तैयार हुआ या नहीं हुआ है, तो आपको अप्रूवल दे देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से एडसेंस अकाउंट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे अप्रूवल होने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ एंड यहाँ पे आपको सिंग अप फॉर एडसेंस, ठीक है। यहाँ पे मुझे अकाउंट बनाने वाला ऑप्शन आ चुका है, नहीं तो आपको अकाउंट वाला ऑप्शन नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है वो है पेजेस। पेजेस दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम ब्लॉग बनाते हैं तो हमको 3 से 4 पेजेस बनाने पड़ते हैं दोस्तों, वो भी मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने पेजेस बनाए हुए हैं, जो कि डिस्क्लेमर का होता है, दूसरा प्राइवेसी पॉलिसी का होता है दोस्तों, कॉन्टैक्टर्स का होता है एंड अबाउटर्स का होता है। ये पेजेस आपको बनाने होते हैं अपने ब्लॉग के लिए, तो इसके सिवा आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल ही नहीं देता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वाले पब्लिश ये पेजेस का ही पेजेस नहीं का ऑप्शन है। तो बात करते हैं दोस्तों लेआउट की, तो दोस्तों एक काफ़ी कूल ऑप्शन है ब्लॉग का लेआउट के थ्रू, पूरे ब्लॉग को डिज़ाइन चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पे साइड बार होता है, आप पेजेस लगा सकते हो, हेडर लगा सकते हो, फुटर लगा सकते हो, लेबल्स, मतलब जो भी डिज़ाइन होती है आपको साइड्स, जैसे कि आप अलग अलग साइड वेबसाइट्स ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको अलग अलग डिज़ाइन दिखते हैं, उस तरीके से अपने ब्लॉग को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी दोस्तों लेआउट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लेआउट के ऊपर 3-4 वीडियो आएंगे दोस्तों आपको, तो कंटिन्यू कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करिए, क्योंकि आप जैसे ही बेल आइकन पर प्रेस करेंगे तो हम जैसे ही नए वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। तो दोस्तों, अभी लेआउट लेआउट के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, तो अभी मैं आपको वन बाय वन सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे थीम होती है, तो थीम दोस्तों आपको फ्री वाली भी थीम मिल जाती है, ब्लॉगिंग ब्लॉगर में काफ़ी सारी फ्री वाली थीम्स हैं, और आप फ्री वाली जो मतलब टेम्पलेट बोलते हैं इसको, जो आप फ्री वाले टेम्पलेट अदर वेबसाइट से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सीधा यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ कर देना है, HTML के थ्रू कर सकते हो, या थीम अपलोड कर सकते हो अपने ब्लॉग पे, ठीक है दोस्तों। अपने ब्लॉग पे थीम अपलोड करके आप
अलग अलग चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग थीम्स होती है, वो भी मैं और डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा अगली वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे होती है सेटिंग्स, तो सेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे आप ब्लॉग्स क्रिएट करते हो तो आपको सेटिंग्स ही करनी पड़ती है सबसे पहले। दोस्तों यहाँ पे होता है सेटिंग में, यहाँ पे होता है डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन डाल देना है। यहाँ पे टाइटल है जो कि आपका ब्लॉग का नाम होता है, आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्लॉग है या आपका ब्लॉग है मेडिसिन रिलेटेड, आपको कोई भी जिस टॉपिक में आपको मतलब नॉलेज हो, अच्छा खासा इंटरेस्ट हो, उस टॉपिक में आप ब्लॉग बनाओ। और दोस्तों सेकंड वाला जो ऑप्शन होता है डिस्क्रिप्शन, तो आपको लिखना ही पड़ता है। मतलब आप मान लो आपका टेक्नोलॉजी ब्लॉग है तो आपको लिखना पड़ेगा ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग टिप्स, मतलब मेरा ब्लॉग रिलेटेड ब्लॉग, हम ब्लॉगिंग रिलेटेड ब्लॉग है, मतलब मैं हेल्प इस ब्लॉग पे हेल्प देता हूँ ब्लॉगर को। तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के लिए क्रिएट किया है ब्लॉग। दोस्तों यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स लिखा है मैंने, ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, एडसेंस, ऑनलाइन मनी मेकिंग, SEO, पेजेस, साइट में HTML, वेब डिज़ाइन, वेब होस्टिंग, ऑल इन्फॉर्मेशन हिंदी मैं आपको इस साइट पर मिलेगी। तो आपको ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, काफ़ी रैंकिंग में काफ़ी मदद होती है इससे। और दोस्तों यहाँ पे प्राइवेसी होता है, HTTPS होता है एंड परमिशंस होता है। HTTPS जो सिक्योर होता है, मतलब एस का मतलब होता है सिक्योर, तो मैंने उस पर एक्टिवेट किया है। तो और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। यहाँ पे पोस्ट कमेंट एंड शेयरिंग वाला जो ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे आपको शो होता है कि आपको कितने पोस्ट दिखाने हैं, आपके कमेंट आपके पोस्ट पर इनेबल करनी है, डिसेबल करनी है। यहाँ पे ईमेल्स होता है, यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे सर्च प्रेफरेंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं ब्लॉगिंग की। तो यहाँ पे आपको गूगल सर्च कंसोल में अपनी साइट को इंडेक्स करवाना होता है। यहाँ पे आपको कस्टम रोबोट हेडर टैग्स लगाने पड़ते हैं। और मेटा दोस्तों सबसे यहाँ इसमें इंपॉर्टेंट है मेटा टैग्स, जो कि SEO, मतलब SEO में ही आता है, एंड इसको आपको सेटिंग करना ही है, मेटा टैग्स डिस्क्रिप्शन की। तो यहाँ पे आपको जो गूगल कीवर्ड प्लानर की मदद से आपको कीवर्ड सर्च करने हैं जो कि आपको अच्छे खासे आपको ट्रैफिक लाए, और वही कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट करने हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पे आपको बताने के लिए कुछ भी मतलब पेस्ट कर रखे हैं, आपको अच्छे देख के ही आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको उधर में मिल जाता है, यहाँ पे आपको साइड फीड होता है, आप ब्लॉग को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट वाला ऑप्शन यहीं पे आपको अवेलेबल होता है, इम्पोर्टेंट एंड बैकअप, यहाँ पे सारे आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे। एंड अडल्ट कंटेंट आप अपने ब्लॉग पे शो करवाना चाहते हैं या नहीं, ये भी यहाँ पे आपको ऐसे उन्होंने आपको देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यूज़र सेटिंग नेक्स्ट वाला जो है हमारा, ये यूज़र सेटिंग्स है। तो यूज़र सेटिंग में दोस्तों आप मतलब आप कहाँ से लॉगिन कर रहे हो ब्लॉग के लिए, मतलब आप ब्लॉगर से लॉगिन कर रहे हो या गूगल प्लस से कर रहे हो, तो यहाँ पे वो होता है। ठीक है, यूज़र प्रोफाइल में दोस्तों यहाँ पे रीडिंग लिस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे रीडिंग लिस्ट है एंड यहाँ पे हेल्प डेस्क है, यहाँ से आप मदद ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो ठीक है, गूगल से ऐड आपके गूगल हेल्प सेंटर से डायरेक्टली यहाँ पे आप मदद ले सकते हो अपना जो इश्यू होता है यहाँ पे आप डिज़ायर करके। ठीक है दोस्तों, अपना इश्यू बता के आप यहाँ से आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये थे ब्लॉगिंग के जो ब्लॉग में होते हैं ऑप्शंस हैं वो कैसे वर्क करते हैं, मैंने आपको वन बाय वन बताया। और दोस्तों अभी मैं एक एक ऑप्शन को आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा कि पोस्ट ऑप्शन में क्या होता है, आपको पोस्ट कैसे लिखनी होती है, लिंक कैसे देने होते हैं, वीडियो इमेज कैसे ऐड करने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल ही आप भूलना मत, देखना मत भूलिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप हमारे बेल आइकन पर प्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।